दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है डिंग डोंग डोगा पार्ट टू। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं डिंग डोंग डोगा पार्ट वन में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, डोगा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। मैं कहता हूँ फेंक दो नकली नोट, फेंको। मैं कहता हूँ फेंको, डोगा कह रहा है फेंको। डोगा की गन से लिपट गई वो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, ये नोट नकली नहीं है डोगा। कल बाबा के दिए नोट से मैं लिपस्टिक और पाउडर लेकर आई हूं। डिंग डोंग बाबा नकली नोट क्यों बांटेगा? तुम्हारा डिंग डोंग बाबा भी इन नोटों की तरह नकली है, देखना चाहते हो देखो। नहीं, डिंग डोंग बाबा हमारे भगवान है, क्योंकि हम जिस नरक में रहते हैं वहां कोई दूसरा भगवान हमारी सुनने नहीं आता। तुम्हारी गोली डिंग डोंग बाबा से पहले हमारी छाती पर चलेगी डोगा। डिंग डोंग बाबा नकली है, डिंग डोंग बाबा असली है। वो जो नोट बांट रहा है वो नोट नकली है, वो जो नोट बांट रहा है वो नोट असली है। मैं कहता हूँ वो वफादारी का जो मास्क चेहरे पर घुमाकर लगाकर घूमता है वो नकली है। हाँ, वरना गरीबों के भगवान पर तू दम्बूक ने तांता डोगा। हट जाओ डोगा, को आगे मत बढ़ने दो। बहनों, ये आगे बढ़ेगा तो डिंग डोंग बाबा को मारेगा। ओह, मैं तुम बेवकूफ औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन अब तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारे आदमियों को गोली मार दूंगा। लेकिन तुमने डोगा के काम में हस्तक्षेप किया है, उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। डोगा ने हमारी चोटियां आपस में बांध दी। डिंग डोंग बाबा का असली रूप तुम्हें अभी दिखाता हूं। ओ, हंगामे का लाभ उठाकर डिंग डोंग बाबा मंच से फरार हो गया। टायरों के निशान बता रहे कि मंच किसी बड़े वाहन के पिछले हिस्से पर बनाया गया था। ये घंटी कैसी है डोगा? ये डिंग डोंग घंटी है, ये हमें दे दे। डिंग डोंग घंटी? हाँ, इसका बजाना शुभ होता है। इसको बजाने पर डिंग डोंग बाबा प्रकट हुए थे। हाँ डोगा, ये पवित्र घंटी है। डिंग डोंग घंटी हमें दे दे डोगा, और अगर न दू तो आज के बाद मुंबई में डोगा का नजर आना बंद हो जाएगा। हद हो गई। चूं चूं, भाग जाओ, शायद हमने कुछ ज्यादा बोल दिया। हाँ, ये भूल कर कि ये डोगा है। मैंने तो इसे अपना नालक बेटा समझकर डांटा था, पर इसने तो मुझे उसी तरह डांट कर भगा दिया। वो पुलिस आ गई। मैंने पुलिस को कल बांटे गए नकली नोटों के बारे में भी बता दिया था, अब पुलिस इन लोगों को बताएगी कि जो नोट बांटे जा रहे हैं वो नकली है। यहां पर गिरे सारे नोट जब्त कर लो। मिस्टर वाट ग्रे, आप करेंसी नोट स्पेशलिस्ट हैं, जरा बताइए कि ये नोट असली है या नकली। वाई नोट? ये नोट एकदम असली है। नहीं, ये नोट असली नहीं हो सकते, क्योंकि कल डिंग डोंग बाबा ने जो नोट बांटे थे वो नकली थे। आज उसने असली नोट कैसे बांट दिए? हमें पता था कि नोट असली है, डिंग डोंग बाबा धोखा क्यों करेगा? और उसे इससे क्या फायदा था? डोगा इन नोटों को नकली बताकर इन्हें हमसे लूटना चाहता था। वो नहीं चाहता कि हम भी पैसे वाले हो जाएं। बेवकूफ कहीं के, इनकी बेवकूफी की वजह से आज डिंग डोंग बाबा मेरे हाथों से बचकर भाग निकला। अब मैं समझ गया डिंग डोंग बाबा की चाल को। उसने कल नकली नोट बांटे, उसे पता था कि नोटों की हकीकत जानने के बाद मैं उसकी पहेली हल करने वहां जरूर आऊंगा जहां डिंग डोंग बाबा होगा। और आज उसने असली नोट बांट कर मुझे झूठा बना दिया, फंसा दिया मुझे। वाह, कल नोट नकली थे तो 100 100 और 500 500 के लुटाए गए, पर आज असली थे तो इसलिए 1 2 5 व 10 के नोट लुटाए गए। किसी चालू बाप की औलाद है डिंग डोंग बाबा, पर मुझसे बचेगा नहीं। गुर्र वुफ, जाओ इन्हें ले जाओ और हमेशा की तरह छिपा दो। वुफ गुर्र, ये ड्रेस भी ले जाओ। वुफ वुफ, डिंग डोंग बाबा की छोड़ी घंटी डोगा के लिए थी। ये बात सूरज को उस कार्ड पर लिखी पहेली पढ़कर समझ में आ गई। कल श्याम कानून की धारा तोड़ो, बी चैनल देखो। डिंग डोंग बाबा ने इस पहेली में भी अपना पता ही छोड़ा है।
मैं जानता हूं कि वो कम बद काल पहले आई है और जानबूझकर डोगा को बार बार बुलाना चाहता है। जहां वो नोट बांटेगा, वो मेरी नाक के नीचे सारा तमाशा करना चाहता है मुझे चिढ़ाने के लिए सर, क्योंकि वो जानता है कि बस्ती के गरीब लोग उसी के साथ हैं। लेकिन मेरी समझ में एक ही बात नहीं आई, वो नकली नोट मुफ्त में क्यों उड़ा रहा है? इससे उसे क्या फायदा है? कई काल पहले कम वक्त किसी पड़ोसी देश के साथ मिलकर तो नहीं काम कर रहा जो भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए देश में नकली नोटों की भरमार लगा देना चाहता है। नकली नोट बांटने के लिए काल पहले ने डिंग डोंग का चक्कर चलाया है। उसके एवज में वो अपना कमीशन असली नोटों में ले रहा होगा या ले चुका होगा। इसके अलावा मुफ्त में नोट बांटने का दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता। अब कल मैं उसे ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगा कि वो भी क्या याद करेगा। धोबी पछाड़ की तैयारी कर चुका था डोगा। मैंने पहली का ठीक मतलब निकाला। डिंग डोंग बाबा कानून की धारा तोड़ रहा है और घर जाकर वी चैनल देखेगा। धारा और वी को जोड़कर बनता है धारावी, जो मुंबई के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। आज 100 और 500 के नोट उड़ाए जा रहे हैं, यानी आज नकली नोट बांटे जा रहे हैं। अगर मैं लोगों से जाकर कहूंगा कि ये नोट नकली है तो कोई नहीं मानेगा। पर मैं लोगों से जाकर क्यों कहूँ? हफ ग्रुप, मैं तो ट्रक ही ले उड़ूंगा। इस ट्रक में सैकड़ों लाखों नकली रुपए होंगे अगर मैं साथ में काल पे लिया और उसके साथी भी। पर फिलहाल मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तभी ट्रक की बैक विंडो खुली और ड्राइवर के बच्चे, ट्रक क्यों चला दिया? अभी तो नोट बांटने शुरू किए थे। ओए डोगे, मेरा मतलब डोगा तू, आखिर मेरा नाम तेरी जुबान पर आ गया ना कालू, काल पे लिया उर्फ डिंग डोंग बाबा। ट्रक को कहाँ ले जा रहा है? सीधा पुलिस स्टेशन, ट्रक डोगे के कब्जे में है। तो अब क्या करें? मुझे इस बात का शक पहले से ही था, तभी तो मैंने तुम्हें कपड़ों के नीचे सेफ्टी पैड पहनने को कहा था। अब कूद कर भाग निकलो, सेफ्टी पैड के कारण चोट नहीं लगेगी। डोगा ने उन्हें कूदते देखा पर ट्रक नहीं रोका। काल पहले तूने डोगा पर चाल चली, डोगा तुम पर चाल चलेगा। रात बीती भी नहीं थी कि अरे जामजू चाचा, तुम कबीला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं, छिप छिपा कर आया हूं बेटा। बेटा अनर्थ हो गया, सारे कबीले वालों को पुलिस पकड़कर ले गई, तेरे मामा मामी को भी। क्या? पर क्यों? रात को डिंग डोंग बाबा का एक चेला बड़े बड़े थैले लेकर आया था और पूरी बस्ती में नोट बांट गया। कह रहा था बाबा ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। सारी बस्ती खुश हो गई बेटा, पर बाद में पुलिस आ गई और सबको पकड़ लिया। वो नोट जाली निकले। ये काम डोगा को का तो नहीं था, वो कल सारे नोट ले गया था, थैले पर घंटी बनी थी। नहीं, उस पर चांद सितारे की छाप थी, वो चीन के झंडे जैसी। चाचा तू नशे में है क्या? चांद सितारा तो पाकिस्तान की निशानी है, यानी वो नोट डोगा ने नहीं बांटे बल्कि ब्लैक बॉस ने बांटे हैं। तभी बेटा हम लुट गए, तुम्हें क्या हुआ जुम चाचा? पूरी बस्ती के लोगों को जाली नोट रखने के आरोप में पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या तुम्हारी बस्तियों में भी डेंगोंग बाबा के नाम पर नोट बांटे गए? ये काम ब्लैक बॉस का ही है, वो मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। मैंने अब तक करोड़ों रुपए बांट दिए हैं, शायद उसका काम हो गया है। या अब उसे और नोट मार्केट में फेंकने की जरूरत नहीं पड़ रही। शायद वो मेरा बाकी कमीशन मारना चाहता है, इसलिए उसने मेरी बस्तियों में नोट बटवाकर पुलिस को सूचित कर दिया है। क्योंकि उसे पता कि मैं पारदी हूँ, उसके अनुमान से मेरा ठिकाना इन्हीं बस्तियों में कहीं होना चाहिए और बस्ती वालों के साथ मैं भी पकड़ा जाऊं। तुम जाओ बस्ती वालों से कहो कि नोट डिंग डोंग बाबा ने बांटे हैं, इसी बयान पर अटल रहे, वो जल्दी छूट जाएंगे। ब्लैक बॉस, तूने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया, मैं तेरा कबाड़ा कर दूंगा। ओह ये क्या, ये तो अलसी और बुल्ली है, डोगा के वफादार कुत्ते। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद ये मेरा यानी डिंग डोंग बाबा का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं, यानी डोगा भी आता होगा। मेरा काम तो बन गया, ब्लैक बॉस को सबक सिखाने का यही मौका है। हेलो ब्लैक बॉस, सारे नोट बट गए, मुझे मेरा बाकी कमीशन चाहिए। सुबह 4 बजे वहीं मिलो जहाँ मिलते हैं। लेकिन काल पे लिया, इस वक्त तो 12 बजने वाले हैं, घड़ी में भी और तेरे चेहरे पर भी। बड़ा
ओ धड़ौक, ओ तूने इस बार मुझे खूब फंसाया पहेलिया। डिंग डोंग बाबा बनकर लोगों को भी खूब उल्लू बनाया। उल्लू तो तू है ही डोगा, देख मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मैं खुद जाना चाहता था, यानी सोफे पर जो गायब होने का रास्ता है। कर डोगा कुछ समझ पाता उससे पहले पहेलिया को नीचे गिराकर सोफा पहले की तरह वहीं पर स्थापित हो गया। पहेलिया निकल गया क्योंकि मुझे इस रास्ते को खोलने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। ये इस पर क्या रखा है? ओ शायद कोई पहेली है। दिवाली पर क्या फूटता डोगे? पीटीओ। ओ शायद यहाँ भी बम फटने वाला है जिसे काल पहले सक्रिय कर गया होगा। बूम, मेरा संदेह ठीक निकला। कार्ड के पीटीओ में क्या लिखा इसे उलट कर देखता हूँ। सुबह 4 बजे जूहू चर्च रोड पर किस बंगले में रोज जाना चाहिए जहाँ गोलियां निशाने पर लगती हैं पर कोई मरता नहीं। जिस वक्त मैं पहलिया के पास पहुंचा था तो वो फोन पर कमीशन मिलने की बात कर रहा था और 4 बजे की मीटिंग फिक्स कर रहा था। अभी 2:30 बजे हैं। लेकिन पहलिया ने जिस बंगले का जिक्र किया है वो कौन सा है और वहां 4 बजे क्या होने वाला है? सुबह 4 बजे किस बंगले में रोज जाना चाहिए? ये थे पहलिया के शब्द। इस बंगले का नाम रोज है, कहीं यही तो नहीं वो बंगला? तुम ही आगे चौकीदार हो? हाँ साहब। 4 बजे की शूटिंग है ना? वाह क्या मेकअप है, तुम फिल्म में काम करता साहब? शूटिंग? ओह काल पहले की पहली के मुताबिक इस बंगले में गोलियां चलती है पर कोई मरता नहीं। पहले के मुताबिक शूटिंग का यही मतलब हो सकता है। काल पहले पाकिस्तानी एजेंटों से शूटिंग के बहाने यही मिलता होगा, यानी मैं ठीक जगह पर आ गया। ठक, 4:10 हो चुके हैं, यानी इस वक्त मुझे अंदर होना चाहिए। अरे आह, अंदर शूटिंग जारी थी। ट्रेन ट्रेन शूटिंग शुरू हो चुकी है पर केपी आए क्यों नहीं? शायद केपी का फोन है। हेलो मैं ब्लैक बॉस बोल रहा हूँ, तुम अभी तक आए क्यों नहीं केपी? बेवकूफ, भागकर अपनी जान बचा क्योंकि मैंने डोगा को वहां भेज दिया है तेरा क्रियाक्रम करने के लिए। क्या बकता गद्दार? गद्दार मैं या तू? तूने अपने आदमियों से मेरी बस्ती में नकली नोट बटवाकर पुलिस से उन्हें पकड़वा दिया, मुझे डबल क्रॉस किया, तूने रामखोर काल पे लिया को। यह झूठ है कहती, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो तुम्हारा सारा कमीशन लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तो तुम्हारे काम से खुश थे, कमीशन भी डबल लाए थे। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? गधे, हम सच बोल रहे हैं, वरना हम यहाँ आते ही क्यों? इसका मतलब जाली नोट तुमने नहीं बांटे? नहीं, हमने जाली नोट नहीं बांटे। जाली नोट मैंने बांटे थे काल पेलिया, दोगा ने तुझे धोखा देने के लिए उन पर चांद सितारे की मोहर भी मैंने लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जाली नोट भारत में फेंकने का काम सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट ही कर सकते हैं। मेरा अनुमान सही निकला, तू मेरे बिछाए जाल में फंस गया पेलिया। और ये सब भी चुम चुम, कुत्ता कुत्ता, तुझे डिंग डोंग बाबा का सांप लगेगा डोगे। आह चुम, तू जाली नोट फेंककर भारत की अर्थव्यवस्था खराब करना चाहता था ना दरिंदे। आह बड़ा, अब मैं तेरे शरीर की सारी व्यवस्था इतनी खराब कर दूंगा कि वो जीने के काबिल भी ही नहीं रहेगा। कहते हैं मुंबई की आधी से ज्यादा आबादी इन्हें झुग्गी बस्तियों या चालों में रहती है जहां अनपढ़ है, अंधविश्वासी हैं। सच तो यह है कि गरीबी इन चीजों को बढ़ावा देती है, तभी डिंग डोंग बाबा जैसे ढकोसलों को बल मिलता है। अरे डिंग डोंग बाबा की सवारी आ गई। क्रिच, डिंग डोंग घंटी बजाओ, बाबा प्रकट होंगे। डिंग डोंग, डिंग डोंग घंटी बजते पर्दा हटा और प्रकट हुए डिंग डोंग बाबा। न, नहीं ये तो डिंग डोंग बाबा नहीं है, अरे ये तो डिंग डोंग डोगा है। अब समझे कि डिंग डोंग बाबा कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ विज्ञान का चमत्कार है। वह जैसे मैं डिंग डोंग डोंगा बन गया वैसे ही वो डिंग डोंग बाबा बन जाता है। अब समझ में आ गया ना? हाँ, डिंग डोंग बाबा दरअसल एक बहुत बड़ा अपराधी काल पे लिया है जो इस बार दुश्मन देश के इशारे पर बड़े पैमाने पर
नकली नोट चला रहा है ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। अगर तुम सभी यह चाहते हो कि हो तो डिंग डोंग बाबा पर विश्वास करना और डोगा का पुतला जलाना। मैं तो चला क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक है। डोगा के जाने के बाद, अरे वो देखो दूर से डिंग डोंग बाबा की एक और गाड़ी आ रही है। आइए आइए, डिंग डोंग घंटी बजाइए और नोटों का प्रसाद लीजिए। डिंग डोंग, वो देखो डिंग डोंग बाबा प्रकट हो रहे हैं। मारो मारो धड़, ओह लगता भेद खुल गया। भागो, अब तू भाग नहीं सकता कालू। डोगा तू, ओह क्यों, तेरी नकली दाढ़ी मूछ हटा देता हूं ताकि तेरा असली चेहरा लोगों को दिखा सकूं। अरे पर ये क्या, इस बार काल पहले डिंग डोंग बाबा नहीं बना, उसने किसी और को बना दिया। साई ठक, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।